नमस्कार, तेज खबर 24 में वक्त है खबरों का। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज रीवा में आम आदमी पार्टी भी सड़कों में उतर आई है। आम आदमी पार्टी ने आज पेट्रोलियम के बढ़े दामों के विरोध में कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एडवोकेट राजीव सिंह सेरा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत माइनस स्तर पर पहुंच चुकी है, उसके बावजूद भी भारत सरकार द्वारा पिछले एक माह से लगातार संपूर्ण देश में पेट्रोल व डीजल में लगातार अभिवृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते दामों के कारण व्यवसायी, किसान, विद्यार्थी व आम मांग ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करता है। हमेशा से जब भी भाजपा विपक्ष में रही है यही कहती रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के खुदरा मूल्य के अनुसार तय होती हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की सरकार है, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो पेट्रोल और डीजल का जो कीमत है वो न्यूनतम स्तर पर है, आज तक के इतिहास का न्यूनतम स्तर पे है और माइनस तक की उसकी जो कीमत जा चुकी है उसमें। उसके पश्चात जो है आए दिन, पिछले 21 दिन से अधिक समय हो गए, आए दिन जो है पेट्रोल और डीजल कीमत जो है बढ़ोतरी हो रही है। पिछले चार महीने से लॉकडाउन की स्थिति है, कोविड-19 की वजह से आम जन सहित पूरा देश परेशान है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके पश्चात भी पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ा रहे हैं, तो इससे बेरोजगार जो युवक है, विद्यार्थी है, आपका कृषक है, व्यवसायी है, हर कोई इससे परेशान है। तो इसकी मांग को लेकर के पेट्रोल